नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य एडवांस भारतपुर से। आज हम पहुंचे हैं नगूरा गांव का जो बड़ा स्कूल है वो सरकारी स्कूल, उसमें। और यहां पे ब्लॉक के जो जेवी टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग चली हुई है, वीरू साहब की देख रेख में, वीरे जी की देख रेख में। फाइनली हम आपको अंदर से ही वीरू साहब से हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ब्लॉक के जो जेवी के टीचर हैं या और भी अध्यापक हैं सब बैठे हैं, और विनय जी जो बीओ साहब हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वो साथ में खड़े हैं, इनकी देख रेख में ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग चली हुई है। और बीओ साहब से इसके बारे में हम जानकारी भी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, जो आज ये ट्रेनिंग चली है इसके बारे में से थोड़ा जी। ये एफएलएन ट्रेनिंग है और ये हर साल हमने जेएनपी टीचर्स को करवानी पड़ती है जी। और इसमें सभी टीचर्स को जो है अपडेट करने के लिए, क्योंकि हर साल नए नए मेथड्स आते रहते हैं पढ़ाई के और नई नई स्कीम्स लॉन्च होती है, तो उनसे रूबरू करवाने के लिए या उनको समझाने के लिए कैंप लगाए जाते हैं। और इस बार जैसे पिछले साल तक एफएलएन कैंप फर्स्ट क्लास से लेकर थर्ड क्लास तक था, और उसके बाद उसको उसका दायरा बढ़ा के फोर्थ फिफ्थ में भी लागू कर दिया। तो फोर्थ फिफ्थ में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसके बारे में ही इनकी ये चार दिवसीय कार्यशाला है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सभी साथी यहाँ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और हम भी इनके अंदर से सीख के हम भी जो है, क्योंकि अगले बैच में उनको बता पाते हैं कोई थोड़ी साझा कर रहे हैं ताकि नई नई बातें निकल के। आप देख रहे हैं अलेवा ब्लॉक क्या पूरे हरियाणा के अंदर जो अब की बार सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बिल्कुल 100% आया है, और जो बच्चे मेरिट में हैं वो भी बहुत ज़्यादा आए हैं। जानकारी लेंगे क्योंकि वीओ साहब जब से यहाँ अलेवा में आए, नगूरा में आए हैं, उसके बाद जो सरकारी स्कूल है उनका दर कहीं ना कहीं पढ़ाई में ऊपर गया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अब मैं पेगा गाँव से आया हूँ और वहाँ पे 32 बच्चे मेरिट में थे और 100% रिजल्ट है, कोई बच्चा फेल नहीं है। और भी कई स्कूलों के बारे में सुना था, अभी लगाया नहीं हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने कौन सी दवाई पिला दी आपके आने के बाद इतना बढ़िया रिजल्ट आना शुरू? मैंने कोई दवाई नहीं पिलाई, तो जो हमारे प्रशासन की तरफ से विभागीय आदेश आते हैं उनकी पालना करते हैं। और लगभग 6 महीने पहले करनाल ने हमारे डायरेक्टर सर की एक मीटिंग बुलाई हुई थी, हम सब गए थे वहाँ पे, तो हमें पहले ही टारगेट किया गया था कि इस बार आपको रिजल्ट जो है सुधारने के लिए मेहनत करवानी है। तो उसी टाइम से हम अभी से सभी साथियों को बुला के कई बार के स्कूलों में जाके तो बताते थे कि भाई आप लोगों को बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवानी है। तो हमारे सभी शिक्षक साथी, हमारे जो मुखिया है, वो सभी इस प्रोग्राम में शुरू से ही लगे हुए थे और बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे पा रहे थे, बच्चों को जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो पेपर होते हैं क्वेश्चन पेपर उनको भी करवा रहे थे। और हमारे साथ ही एक अप्रोच लेके चले हुए थे कि हमें बोर्ड के हिसाब से इनको चलना तैयार करवा थे। तो शायद उसी का नतीजा है कि साथियों ने इतनी मेहनत की, बच्चों ने इतनी मेहनत की, सरकार ने बच्चों को टैग दिए हुए हैं, टैग के माध्यम से हम होमवर्क भी देते थे। तो सारे माँ बाप का भी इसमें रोल है, बच्चों की भी मेहनत है, हमारे टीचर का भी प्रयास है, और हमारे मुखिया ने जो इनके लिए गाइडलाइन और जो नियम तय किए हैं उनका भी इसका योगदान है। तो सभी का मिला जुला योगदान है कि भाई हमारा जो ब्लॉक है इतना अच्छा लग रहा है और सभी बधाई के पास। सर मैं एक दो अध्यापक से बात कर सकता हूँ? सिर्फ एक मिनट आपको कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं जो रिजल्ट इतना बढ़िया सरकारी स्कूलों को आया है, वो जो हमारे गुरु जी है वो हमारे सामने बैठे हैं और गुरु जी बैठे हैं, हम इनसे जानकारी मिलेंगे क्यों रिजल्ट बढ़िया है वो तो आप समझ ही गए होंगे। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, बधाई का पत्र है पूरा का पूरा स्टाफ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, थोड़ी थोड़ी स्टाफ की मेहनत की वजह से आया है, क्योंकि सबके अपने तरीके होते हैं पढ़ाने के, और सब मिलजुल करके आपस में अपने तरीकों को शेयर करके और इसको आगे बढ़ा के प्रैक्टिस से ऐसा करते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आपने देखा है कि जो गुरुजी जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो रिजल्ट इतना बढ़िया आया है उसकी देन जो हमारे गुरुजी हमारे पीछे बैठे हैं आप देख रहे हैं सारे के सारे, ये हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं, और ऐसे ही हर स्कूल आगे बढ़ेगा। कई बार ऐसा था कुछ स्कूलों में कोरोना की वजह से बच्चों का ज्ञान जो है स्तर जो है वो काफ़ी पीछे रह गया था, लेकिन अब 2-3 साल से जैसे हमने मेहनत की है तो बच्चों का स्तर काफ़ी सुधरा है और आगे आगे और सुधरता चला जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। शुभ नाम सर। मेरा विनय जिंदल, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अलेवा। सर, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनकी तरफ से, आपकी तरफ से उनके लिए क्या है? हाँ,
सभी टीचर्स को ये कहा गया है कि बच्चों की जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं जी, तो उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे जी, क्योंकि उसमें ग्रुप में ये देखा जाता है कि भाई कोई बच्चा जैसे ठीक काम कर रहा है, कोई बच्चा थोड़ा सा स्लो कर रहा है जी, तो ग्रुप बना के उनकी लर्निंग करवाई जाती है ताकि इफेक्टिव लर्निंग हो, और बजाय क्लासरूम कोचिंग के हम इंडिविजुअल कोचिंग बच्चों को दिलवाते हैं, अलग अलग ही करवा पाए ताकि टीचर ये फोकस करे कि भाई ये ग्रुप जो थोड़ा सा पीछे काम कर रहा है इसको टारगेट हम सीधा करें। जो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं जी कई, हाँ उनको जो अपने मानसिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए हमने स्पेशल टीचर विभाग में रखे हुए हैं, जो बच्चों को घर जाके भी ट्रेनिंग दे के आते हैं, घर जाके भी पढ़ा के आते हैं, तो इस तरह के बच्चे भी हैं हमारे स्पेशल टीचर्स। ठीक है सर।